हरित ट्वीट करते हैं, उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में जगन्नाथ जी का दर्शन करने वो पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक एक जिज्ञासा ये कहा क्या कैसे मंदिर है, इसको थोड़ा समझा। फिर सब्यसाची जी से बातचीत हुई, सब्यसाची कहेंगे थोड़ा संक्षेप में वो उसका कैसे जुड़े वो कहेंगे, और उसकी कारण है हमारे जो पाटजोशी महाराज बैठे हैं इनकी भी कुछ उत्तराखंड में शरीर, दोनों को सुनेंगे थोड़ा, उनको भी थोड़ा दो मिनट सुनेंगे, और एक छोटा सा वीडियो सब्यसाची बनाए हैं 1.5-2 मिनट का, उस वीडियो को देखने से भी थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। इन तीनों चीज को देखेंगे और फिर हम आपसे एक दो चीज अनुरोध करेंगे, और कल तो मेरा आपसे बातचीत हुई थी। महापात्र जी अब देखा कि तीनों आदमी एक साथ बैठे, तो उन्होंने बोला कि मेरे प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आए, कुछ वहां पे मिलेंगे ना, आइए आइए यहाँ जगन्नाथ है। जब मैं मंदिर के अंदर में गए लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था, उसी टाइम मेरे को बहुत दुख मन में बोले कि अर्थ का अभाव से यहाँ हर रोज पूजा नहीं पाते हैं, 3 दिन सप्ताह को पूजा होता है, 4 दिन बंद होता है, इसलिए मेरा मन में बहुत दुख था, इसलिए मैं दुख मन में निकल आया। इसके बाद मैं सब्यसाची को हम दोनों वहां पे खुद गए हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि देवभूमि में ये जगन्नाथ मंदिर एक नया पर्यटन स्थल बन सकता है, उतना सुंदर है ये परिवेश। और वहां पे जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसका जो इतिहास है, और गांव वाले जैसे वहां पे जो लोक कथा है और जितने सारे कल्चर है अराउंड दैट जगन्नाथ टेम्पल, इतने इंटरेस्टिंग है कि जब से हमने इस बारे में अपने सोशल मीडिया में या मीडिया में बोलना शुरू किया है, लाखों भक्त है जो जगन्नाथ जी के, वो हमारे सोशल मीडिया माध्यम से खाली हमें पूछ रहे हैं कि हम वहां पे कैसे पहुंचे, ये जगह कैसे जा सकते हैं, और आज तक इतने रहस्यमय तरीके से महाप्रभु का इतना एक गुप्त श्री क्षेत्र है और महाप्रभु के बारे में, ये मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत ही एक अनोखा एक अनुभूति रहा मेरा जो वहां पे जो गए, और वहां पे जो जो सब हुआ, 2 दिन हम वहां पे रुके लेकिन ऐसा लगा कि 2 दिन में हम एक 10 साल का काम करके आए हैं, 10 साल का एक संपर्क बना के आए हैं। धन्यवाद धामी जी, हमारी उतना ही निवेदन था कि सारे उसका पृष्ठभूमि को आप कैसे ही आया, जनार्दन भाई ना अपना बेटी को छोड़ने गए थे, और हमारी इसमें कहावत है जगन्नाथ संस्कृति में, जब तक भगवान को बुलावा नहीं आएगा भगवान जी की, उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ ढूंढ लिए, देहरादून से ऋषिकेश से कहाँ पहुंच गए उत्तर काशी, फिर कहाँ साल, ये मेरे को रथ यात्रा में मिले थे, ये बहुत थोड़ा साई आदमी है, मेरे परिवार के आदमी, लेकिन मेरे को नहीं बोले, वो मेरे से ज्यादा पुण्य उनको देना था, उनको सब्यसाची को, अच्छा हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सब्यसाची भी थोड़ा ढीला कर रहा था, अर्चिता गई शूटिंग के लिए तो अर्चिता नहीं खींच के लिया उसको, तो महालक्ष्मी का हाथ पकड़ के भी पहुंचा। ये सब संजोग है। अभी मेरे को जो अकाल जी से आपने बताया कि वहां का, अभी भी आप बता रहे थे आपने वहां उसके आगे की कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है। मैं 2 निवेदन करूंगा, आप तो एक बार बारिश होने के बाद पूरी आइए जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए, आप स्वयं और आपकी टीम को लेके, भाभी जी को लेके आप पूरी आइए, जगन्नाथ जी की ओर से हम निमंत्रण देते हैं आपको। दूसरा, मैं भी ये बारिश हो जाए, खत्म हो जाए, मैं भी एक बार खुद स्वयं दर्शन करने के लिए आना चाहूंगा। भाई ना सब्यसाची अर्चिता और हम बाकी पूरी के और कुछ मित्र हो हम मिलके जाएंगे, लेकिन आगे ये आपकी निगरानी में, इसके तो देवभूमि है हमारी हिंदू समाज के, इतने बड़े बद्री विशाल की जमीन है, विष्णु भगवान की आप आगे संभालो, राजा आप ही हो, आप चिंता करो उसकी, यही हमारा निवेदन है। ठीक है भाई साहब, बहुत धन्यवाद, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने एक ऐसा स्थान हम सब लोगों के, चूंकि यहाँ तो स्थान तो पहले से ही था, लेकिन जिस प्रकार से कल आपने बताया और मैंने सारी जांच पड़ताल करी तो बहुत ही दिव्य स्थान है, और शायद भगवान ने ही जो ऐसा रास्ता दिखाया होगा कि जनार्दन जी वहां गए और उन्होंने अर्चिता जी को और भाई साहब को इस काम को प्रेरित करने के लिए किया और आप इसके माध्यम बन गए। तो भगवान यही जगन्नाथ जी चाहते होंगे कि हम लोगों के हाथ से जो है वहां पर कुछ काम हो जाए, तो उस काम को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, और ये हम लोगों का जो है
मन से, वचन से और आत्मा से, कि वैसे भी क्योंकि प्रदेश के अंदर हम लोग जो भी हमारे ऐसे नए धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, उन सभी का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, उनका नवनिर्माण और जितना विस्तार उनका हो सकता है सब पर हमारा काम चल रहा है। और इसको भी हम लोग अपने मंदिर माला मिशन जो हम लोगों ने अभी यहाँ शुरू किया है उसमें रखेंगे। और मेरे साथ सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी आपने जैसा कहा है भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो जरूर आपके पास आएंगे वहां। जगन्नाथ आपको आना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है, उनकी इच्छा से ही हो रहा होगा, क्योंकि ये देखे अचानक इस प्रकार का हुआ है ये, क्योंकि मंदिर तो पहले से था लेकिन ये दो चार दिनों का जैसा डेवलपमेंट आपने बताया है, दो चार दिनों में जिस प्रकार से तेजी से जो है ये फैला है, तो भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है। इसलिए उसको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भगवान की इच्छा है और जो आप लोगों की इच्छा है उसको आगे बढ़ाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।